Hello everyone, welcome to my channel. Today I discuss linearity and planarity. तो आज मैं आपको बताऊंगा जैसे कौन सा मॉलिक्यूल्स लीनियर है एंड कौन सा मॉलिक्यूल्स प्लेनर है. एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमारा डायरेक्ट इस पे बेस होता है, पूछता है कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर है कौन सा मॉलिक्यूल लीनियर है. तो देखिए, लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए. sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन में 3 लोन पेयर होना चाहिए, ओके. और x3 नेगेटिव और x2 नेगेटिव होना चाहिए. जैसे x3 नेगेटिव यानी i3 नेगेटिव होना चाहिए और x2 नेगेटिव यानी i2 नेगेटिव. तो ये सब हमारे क्या होते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, लीनियर sp हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एग्जांपल्स ये हैं. ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्लेनर. प्लेनर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका स्टेरिक नंबर 2 और 3 ऑल प्लेनर होते हैं. ठीक है, और स्टेरिक नंबर 4 और ग्रेटर देन 4 जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा लोन पेयर होंगे वो हमारा प्लेनर होगा. अब आप स्टेरिक नंबर जैसे ऐसे समझिए. देखिए, जैसे स्टेरिक नंबर 2 तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, लीनियर होता है. स्टेरिक नंबर 3 तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है. स्टेरिक नंबर 4 तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, टेट्राहेड्रल होता है. स्टेरिक नंबर 5 तो sp3d, स्टेरिक नंबर 6 तो sp3d2. ये होता है हमारा स्टेरिक नंबर. ठीक है, तो जैसे हमारा स्टेरिक नंबर 2 और 3 में सारे प्लेनर होते हैं और स्टेरिक नंबर 4 में और ग्रेटर देन 4 में अगर लोन पेयर 2 है और 2 से ज़्यादा है तो प्लेनर होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन. अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ जिससे आपको आसानी होगी समझने में. देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं ये सब. तो देखिए, CO3, अब हमारा ये क्या पूछा है. देखिए, CO3 2 नेगेटिव, SO3 XeO3, NO3 नेगेटिव. देखिए, हमारा ये पूछा है कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर होगा. तो हम बस स्टेरिक नंबर निकाल लें, अगर 2 और 3 होगा तो ऑल प्लेनर होगा, अगर 4 आएगा तो हम उसमें लोन पेयर देखेंगे. ओके, तो देखिए, स्टेरिक नंबर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था 4 में सी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं. पिछली वीडियो में मैं सब बता चुका हूँ, आपको अगर ना समझ में आए तो पिछली वीडियो देखिएगा और मैं समझाता हूँ. तो देखिए, स्टेरिक नंबर मतलब ये देखिए, स्टेरिक नंबर 4 और 4 से ग्रेटर देन होगा तो प्लेनर होगा, और अगर 2 है और 3 है तो ऑल प्लेनर होगा. अब स्टेरिक नंबर हम लोग निकाल लेते हैं. ठीक है, तो देखिए, सी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4 होता है. ठीक है, ए को कितना बॉन्ड बनाता है, 2, तो 3 को कितना बॉन्ड बनाएगा, 6, तो 6 हो जाएगा, -6. ये -2 है तो ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो 6 - 6 हो जाएगा, 6 - 6 = 0. तो हमारा लोन पेयर इसमें 0 है. और देखिए, जब 3 है तो ये जो 6 है ये ऑक्सीजन का है. ठीक है, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है. तो 6 में 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, ये 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, 3 पाई बॉन्ड होगा. तो हमारा सिग्मा बॉन्ड क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में. तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन में 3 सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, लोन पेयर 0. तो यानी स्टेरिक नंबर हमारा 3 आ गया. तो हमारा 3 देखिए, 3 ऑल प्लेनर है, यानी हमारा ये प्लेनर है. ओके, नाउ वी कम SO3. ठीक है, SO3 यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, और ये 3 हो है, यानी एक वो 2 बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, तो 3 हो है, 6 बॉन्ड बनाएगा. तो 6 - 6 = 0. फिर वही करना है, जैसे 3 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड. तो 6 सिग्मा बॉन्ड हमारा हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होता है, तो स्टेरिक नंबर 3 आ जाएगा. ठीक है, 3 आएगा तो ये भी हमारा प्लेनर होगा. देखिए, स्टेरिक नंबर 3 ऑल प्लेनर. ठीक है, इसमें लोन पेयर ओन पेयर नहीं देखते हैं. ठीक है, अब देखते हैं XeO3. देखिए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8, और 1 हो कितना बॉन्ड बनाता है, 1, तो 3 हो कितना, 1 हो कितना बनाता है, 2, और 3 हो बनाएगा 6. ठीक है, तो 8 - 6 - 6 ले जाएगा 2, यानी 1 लोन पेयर बचा रहेगा. ठीक है, 1 लोन पेयर बचा रहेगा, या 3 पाई बॉन्ड बनाएगा, 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, 1 लोन पेयर, 3 + 4 यानी 4, स्टेरिक नंबर 4 आ गया. स्टेरिक नंबर 4 के लिए क्या चाहिए, हमारा 2 लोन पेयर चाहिए या फिर 2 से ज्यादा लोन पेयर चाहिए, बट इसमें हमारा कितना, 1 लोन पेयर है, तो ये हमारा प्लेनर नहीं होगा. नाउ वी कम NO3 नेगेटिव. तो NO3 यानी N पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी 5 होता है N का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, O का यानी 3 है, तो 6 हो जाएगा. ठीक है, ये -1 है तो ये प्लस हो जाएगा. तो 6 - 6 = 0, यानी लोन पेयर हमारा 0 आ गया. ठीक है, ये 3 पाई बनाएगा और 3 सिग्मा बनाएगा, तो 3 सिग्मा हमारा काउंट होता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन में. तो स्टेरिक नंबर 3 इसका आ गया, इसका आ गया और इसका आ गया. ठीक है, इसका हमारा नहीं है, तो ये हमारा प्लेनर नहीं है. तो हमारा देखिए, ये हमारा प्लेनर नहीं, बाकी ये 2-3 हमारे प्लेनर है. ओके, देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है. इसमें पूछा है द करेक्ट ऑर्डर, पूछा है द करेक्ट नॉन प्लेनर
नॉन लीनियर, सॉरी नॉन लीनियर पूछा है इसमें, ठीक है। अब हमारा लीनियरिटी के लिए देखिए पहले एक ही चीज़ समझ लीजिए, सॉलिड हाइब्रिडाइजेशन। देखिए सॉलिड क्या होता है, ब्रेक होता है कि उसमें कैटायन और एनायन में, ठीक है। जैसे हमारा ये I3 निगेटिव है, जैसे हमने आपको ऊपर समझाया था ये, ठीक है। कहाँ गया ये देखिए, I3 निगेटिव किस में टूटेगा, I2 निगेटिव में, ठीक है। इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये लीनियर होता है। अगर ये पॉजिटिव रहेगा, ये ध्यान रखेगा ये निगेटिव है तो ये हमारा लीनियर हो जाता है, अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये बेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, ठीक है। ये हमारा ध्यान रखिएगा। अब हमारा क्या पूछा, नॉन लीनियर। देखिए नॉन लीनियर के लिए हमारा पहले देखिए XX2 निगेटिव, ये हमारा लीनियर होता है ना, ये देखिए निगेटिव वाला लीनियर हो गया, XX2 यानी ये भी लिखा है, देखिए एक्स लिखा है और X2 निगेटिव वही चीज़ लिखा है, ये XX2 ये भी निगेटिव है, तो ये लीनियर हो गया, ये लीनियर हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, और ये भी लीनियर हो गया, ये भी नहीं हो सकता है, या I3 हमारा बेंट हो जाएगा, तो हमारा नॉन लीनियर पूछा ना, तो ये नॉन लीनियर हो गया, तो हमारा बी ऑप्शन हो गया। ओके देखिए अभी ये रिसेंट में हमारा आया हुआ है 2022 में, जो हमारा 16 फरवरी को नेट का पेपर था, देखिए उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए प्लेनरिटी पे आता ही एक क्वेश्चन है, या फिर लीनियरिटी पे या प्लेनरिटी पे एक क्वेश्चन आएगा ही। देखिए ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ था, अब की बार पूछा है क्या इसमें कौन सा मॉलिक्यूल्स प्लेनर है, ठीक है। तो देखिए BrF3 FClO2 एंड HCF5 निगेटिव, ठीक है। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें पूछा है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, प्लेनर कौन सा है तीनों में। देखिए अब हम निकालते हैं पहले BrF3, तो देखिए Br का हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7, तो F का F3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ओके। तो 7 - 3 4 हो गया, 4 यानी 2 लोन पेयर हो गया, ठीक है, 2 लोन पेयर हो गया, और ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 3 लोन पेयर प्लस 2 और 3 बॉन्ड, ये यानी सिग्मा हमारा बॉन्ड पेयर हो जाएगा और 2 लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 5 आ गया। अब देखिए क्या पूछा है इसमें, प्लेनर पूछा है, प्लेनर के लिए देखिए 5 यानी ग्रेटर देन 4 आया है, तो 2 लोन पेयर होना चाहिए, तो इसमें हमारा 2 लोन पेयर है, हाँ 2 लोन पेयर है, तो ये हमारा क्या होगा, प्लेनर होगा, तो यानी BrF3 प्लेनर होगा। अब ये देखते हैं FClO2, देखिए FClO2 में देखिए हमारा कहने का F का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7, तो 7 और Cl1 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और O2 यानी ये 2 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 - 1 - 4 तो 5, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा 2 में यानी 1 लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है, 1 लोन पेयर हो जाएगा, ये 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 2 पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, तो ये हमारा 3 स्टेरिक नंबर 3 ऑल प्लेनर होता है, देखिए स्टेरिक नंबर 3 ऑल प्लेनर, तो ये भी हमारा प्लेनर हो गया, ठीक है। अब देखिए HCF5 नेगेटिव, तो XC का क्या होता है हमारा 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा F, तो -5 -1 है तो प्लस हो जाएगा, 8 - 5 + 1 = 4 आ जाएगा, यानी 4 यानी 2 लोन पेयर, ठीक है। तो ये 5 सिग्मा बॉन्ड हमारा क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, तो 5 + 2 यानी 7, तो ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, 7 है और 2 लोन पेयर भी है, ठीक है, और 2 लोन पेयर भी है, ठीक है, तो ये भी हमारा प्लेनर होगा, यानी हमारा पहला ही ऑप्शन प्लेनर में मिल गया, ठीक है। तो देखिए प्लेनर का हमारा पहला ही ऑप्शन, लेकिन हम चेक कर लेते हैं सारे ऑप्शन, देखिए ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, बट हम चेक करते हैं सारे ऑप्शन, ठीक है। XCO3, ठीक है, ये हम चेक करते हैं, देखिए XC का 8 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, O3 है तो 6 हो जाएगा, ठीक है, 8 - 6 = 2 यानी 1 लोन पेयर, ये ध्यान रखिएगा 1 लोन पेयर हो, ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 3 पाई बॉन्ड बनाएगा, तो 3 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करता है 3 सिग्मा प्लस 1, तो 3 + 4 = 4 है, यानी स्टेरिक नंबर हमारा 4 है, तो 2 लोन पेयर होना चाहिए या फिर 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो हमारा यहाँ पर 1 है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए XCO3 किसमें है, इसमें है XCO3 और XCO3 इसमें है, तो हमारा ये दो ऑप्शन तो कट गया, अब हमारा बचा रह गया ये, ठीक है XCO, अब देखिए इसको चेक करते हैं, तो XCF4 निगेटिव, तो 7 - 4 + 1 4 हो जाएगा, 2 लोन पेयर हो जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो 4 + 2 = 7, तो हमारा ये प्लेनर है, ठीक है। अब हम इसी ऑप्शन का ये हो गया, ये तो चेक ही कर लिया था, ये भी प्लेनर, अब ये बाकी है, तो देखिए XC - XCF5, तो 8 - 5 = 3, तो यहाँ तो होना ही नहीं है बिल्कुल, तो यानी हमारा ये भी ऑप्शन चला गया, तो हमारा ऑप्शन सिर्फ बचा ये ए। देखिए ये अभी 2022 में आया हुआ है रिसेंट क्वेश्चन,
प्लेनरिटी पे, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।